माननीय न्यायाधीश जी, क्या देश को यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि आपका पुत्र ऐसे केस में अपीयर नहीं हो? इस तरह से नाम कमाना चाहते हैं, इस तरह से नाम कमाना चाहते हैं आप? ठीक है, ये उस गुनहगार का या जो आरोपी है उसका राइट है कि उनको कोई वकील मिले, तो मिला तो हुआ था वकील, सतीश मामसिद्धि तो थे, आपके पुत्र को क्यों लाया गया? दाल में काला है, पूरी दाल काली है, इसलिए हम तो सवाल पूछेंगे, यहां तो सवाल पूछा जाएगा, जनता की आवाज है हम, और उस आवाज से कोई समझौता नहीं करेंगे। सतीश मानसिंह तो आप बढ़िया से अपीयर हो रहे थे, सतीश मानसिंह को हटा करके इनको लाए, ले आए आप। आज से फिर से ये लड़ाई प्रारंभ हो गई है दोबारा, 14 जून से ये लड़ाई दोबारा जारी रहेगी, और हर हाल में हम सुशांत और दिशा को न्याय दिलवा के रहेंगे, किसी भी कीमत पर रहेंगे। एसएसआर वॉरियर से मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस लड़ाई को जगाए रखिए, यह मामला प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, देश की न्याय पद्धति से जुड़ा हुआ है, सत्य से, सत्य के लिए खड़े होने से जुड़ा हुआ है। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति, दो व्यक्ति की मृत्यु से जुड़ा हुआ नहीं है, यह पूरा सिस्टम अब इससे एक्सपोज होने वाला है। अगर इस पर कोई काम नहीं हुआ ना, यह पूरा का पूरा सिस्टम ताश के पत्ते के तरह ढह जाएगा, क्योंकि यह झूठ के ऊपर खड़ा हुआ है। आप बिल्कुल हौसला रखिए, यह झूठ के ऊपर खड़ा हुआ है, और मेरे पास त्रूप का पत्ता भी है, मैं बार 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 हिदायत दे रहा हूं, वो त्रूप का पत्ता भी लाऊंगा, जब मैं पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दूंगा, नंगा कर दूंगा कि ये सिस्टम का खेल देखिए कैसे चल रहा है। उस त्रूप के पत्ते को मैं अभी नहीं ला रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि ये काम हो जाए बिना उसे लाए, लेकिन अगर मैं मजबूर होऊंगा तो उसे भी सामने लेकर आऊंगा, आना ही पड़ेगा। इसलिए सीबीआई और एसआईटी सावधान रहिए, प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी सावधान रहिए, मैं कोरोबरेट कर दूंगा कहां कहां क्या 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 चल रहा है, सब मैं बता दूंगा, सारे फैक्ट्स दे दूंगा, सारे डिटेल हमारे पास है, सारे फैक्ट्स, सारे डिटेल हमारे पास है, सब सब बता दूंगा। इसलिए ये मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ बात पर्दे में रह जाए तो अच्छा है, हमें न्याय से मतलब है, हमें सत्य के उद्घाटन से मतलब है, आप सत्य का उद्घाटन कर दीजिए, न्याय कर दीजिए, हम चुप, हमें क्या जरूरत पड़ी है? इसलिए मैं आज भी चुप हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा यह बात देश के किसी मीडिया के पास नहीं है, मेरे पास है, मेरे पास है, और मैं लाऊंगा भी, बार बार मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, मैं लाऊंगा, सत्य सामने में रखूंगा कि कौन कहां कैसे कैसे खेल चल रहा है, किस किस पर्दे पर जा रही है ये बात। इसलिए मैं अपने एसएसआर वॉरियर से आग्रह कर रहा हूं, धैर्य बनाए रखिए, टूटिए मत, कोई कुछ कहे डिगिए मत, डरने की जरूरत नहीं है, जब मैं नहीं डर रहा हूं तो आप क्यों डर रहे हैं? आप तो सिर्फ मेरे साथ खड़े रहिए, हटने वाले नहीं है हम, बिल्कुल हटने वाले नहीं है, ऑन कैमरा कह रहा हूं, बिल्कुल हटने वाले नहीं है, ना डरने वाले हैं, ना झुकने वाले, किसी भी सूरत में नहीं। 14 जून की इस तारीख को और प्रामाणिकता के साथ और मजबूती के साथ प्रण लेता हूं, और आज मैं फिर चुनौती दे रहा हूं कि आप मुझे मजबूर मत कीजिए, वरना यह देश, मैं जुडिशरी से कह रहा हूं, मैं बिजनेस घरानों से कह रहा हूं, मैं फिल्म स्टार से कह रहा हूं, मैं महाराष्ट्र सरकार से कह रहा हूं, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कह रहा हूं, सब तथ्य मेरे पास हैं मौजूद, और जब मैं अदालत में रखवाऊंगा तो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे, कैसे कैसे खेल चल रहा है ना पर्दे के पीछे, कौन कौन शक्ति
शक्तियां कैसे कैसे मदद कर रही है ना, सब मालूम है। इसलिए वो मालूमात सामने ना आए ध्यान रखिएगा, और चिंता मत कीजिए, मुझे अपने जान की परवाह नहीं है। लोग मुझे मेरे जो SSR समर्थक हैं मुझे कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपको कह रहा हूं सब कुछ रख दिया है मजबूती से, सारे तथ्य रख दिए हैं, चिंता मत करिए आप। और वो तथ्य पब्लिक डोमेन में लाकर रहूंगा, मेरे जान का चिंता मत कीजिए आप। लेकिन इन बेईमानों को मैं एक्सपोज करूंगा, और मैं इस बेईमानों को मैं समय दे रहा हूं, लूप दे रहा हूं। एक्सपोज से बचना चाहते हो तो सुशांत के हत्यारे को और दिशा के हत्यारे को सजा दिलवा दो, बात वही खत्म हो जाएगी। दिलवा दो, उसको कानून के घेरे में ले आओ, पूरे देश का दिल जीत लो, पूरे देश का मिजाज जीत लो, जीत सकते हो। फायदे ही फायदे हैं इसमें, नुकसान कुछ नहीं है। गृह मंत्री जी कोई नुकसान नहीं है, और प्रधानमंत्री जी कोई नुकसान नहीं है। हाँ, बाप बेटे से अलायंस का अगर आप सोच रहे हैं ना, नुकसान ही नुकसान है, केवल और केवल नुकसान होने वाला है। पॉलिटिकल नफा नुकसान की बात मत कीजिए। आपके ऊपर आज भी देश भरोसा कर रहा है, गृह मंत्री जी आपके ऊपर आज भी देश भरोसा कर रहा है, पर भरोसा है, उम्मीद है। तभी मैं नाम नहीं बता रहा हूं, तभी मैं ये तिकड़म जो चल रहा है ना, कहां कहां खेल चल रहा है, सबको नंगा नहीं कर रहा हूं, तभी, क्योंकि अभी मुझे भरोसा है, मुझे आश है कि कुछ करेंगे, देखते हैं और कितना दिन करेंगे। लेकिन अगर ये बहुत लंबा हुआ तो मैं मजबूर हो जाऊंगा। अब फिर देखते हैं कौन सी शक्ति उसे बचाती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आज भावभीनी श्रद्धांजलि हमारे सामने हम दे रहे हैं अपने सुपरस्टार को। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।